हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राम मेहता। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व किया था, और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 टू 9 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एंड क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, 0.99999, इसको हम लोग को पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सपेंड करना है। तो आइए इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0.99999, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें देखते हैं पॉइंट के बाद कितनी की ऊपर बार है, तो 1 डिजिट के ऊपर। तो फिर क्या करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, 10x इक्वल टू, ये जब इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यानी एक डिजिट के आगे क्या आ जाएगा 9.9999। यह हो गया हमारे इक्वेशन सेकेंड नाम दे देते हैं। अब क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट को जो हम लोग इक्वेशन सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, आगे क्या लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन 9.9999। इसके बाद क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू 0.9999। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये पार्ट देखिए हमारे पूरा जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे 0 इक्वल टू। अब देखिए, अब यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 1x है, तो इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 9x। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। फ्लिप, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर, मतलब 0.9 का जो बार होगा इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। फ्लिप, तो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, What can the maximum number of digit be in the repeating block of the digit in the form of decimal expansion of 1/17? यानी 1/17 को जब हम लोग डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आएगा, इसके बाद वो नंबर रिपीट करने लगेगा। तो आइए चेक करते हैं, क्वेश्चन हमारा है 1/17 है, यानी 1 को हम लोग को 17 से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले 1 जो है 17 से डिवाइड नहीं होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम यहाँ पॉइंट लाएंगे, पॉइंट के बाद एक जीरो यहाँ लगाते हैं, इसके बाद 10 हो गया, तो 10 क्या डिवाइड होगा 17 से, नहीं होगा, उसके क्या करेंगे हम लोग एक जीरो यहाँ लगाएंगे और एक जीरो भी यहाँ लगाएंगे, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे कि कितने बार में जाएगा, देखें तो 17 5 जै 85, यानी 17 5 जै 85 ये आ गया, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 15। फिर हमारा ये जीरो आ गया, ये हमारा जीरो आ गया, फिर कितने बार में जाएगा ये 17 8 जा क्या आ जाएगा 136, तो क्या रिमाइंडर आ गया 14। फिर ये जीरो आ गया, फिर कितने, फिर ये 8 बार में ही जाएगा, फिर 8 जा 136, फिर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 4, फिर ये जीरो आ गया, तो अब कितने बार में जाता 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, अब क्या आ गया हमारा 6, ये जीरो आ गया, अब कितने 17 3 जा 51, 17 3 जा 51 ये आ गया, फिर क्या आ गया रिमाइंडर 9 के बाद 0, अब कितने बार में जाएगा ये, फिर से ये फिर से 5 बार में जाएगा 17 5 जा 85, फिर रिमाइंडर आ गया 5, फिर आ गया 0, फिर कितने बार में जाएगा 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, फिर हमारा क्या आ गया 16। तो अब कितने बार हो जाएगा 17 9 जा 153, फिर कितना आ गया हमारा रिमाइंडर 7, फिर 0 आ गया, फिर कितने बार जाएगा 17 4 जा 68, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर रिमाइंडर 2, ये इस 2 को हम यहाँ कैल करते आगे, तो 2 आ गया, और फिर हमको इसे 17 से डिवाइड करना है, ठीक है, ये कितने बार में जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, तो 17 1 जा 17,
तो क्या आ गया फिर ऊपर से 3, फिर 0 आ जाएगा, फिर कितने बार में जाएगा, फिर ये 1 बार में जाएगा, 17 बन गया 17, फिर यहाँ कितने बच गया 13, ये 13 आ गया, अभी कितने बार में जाएगा 0, तो 0 तो एक कितने बार में जाएगा 17, 7 जा 17, 7 जा 119, आ गया, फिर यहाँ कितना बच गया हमारा 11, फिर आ गया 0, ये आ गया, तो फिर कितने बार में जाएगा 17, 6 जा 102, तो फिर हमारा क्या आ गया 8, फिर 0 आ गया, तो कितने बार में जाएगा 17, 4 जा क्या आ जाएगा 68, फिर हमारा ये क्या आ जाएगा 12, फिर हमारा क्या आ जाएगा ऊपर से 0, फिर कितने बार में आ जाएगा 17, 7 जा 17, 7 जा फिर कितना आ गया 119, अब हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 1, देखिए जिस 1 को हम डिवाइड करना स्टार्ट किए थे 17 से, फिर वहाँ पर आके हमारा कितना आ गया, फिर हमारे यहाँ पर यह 1 आ गया, मतलब अब यहाँ के बाद क्या होगा, ये सेम डिजिट जो ये सारा ये रिपीट होगा, मतलब यहाँ 1 जो है इसके बाद इसके ऊपर ये 12 आ जाएगा, मतलब ये नंबर जो है रिपीट करते हुए जाएगा। तो लोग क्या चेक करना था कि ये कितने डिजिट के बाद ये हमारा नंबर रिपीट कर रहा है, काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी ये जो है हमारा 16 डिजिट के बाद ये हमारा नंबर रिपीट कर रहा है, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशंस, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सैटिस्फाई। तो आई सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि कोई भी हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है जब उसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, रेशनल नंबर मतलब ये आ गया p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में जब उसको हम कन्वर्ट करेंगे तब क्या हम सिर्फ q को देख कर हम बता सकते हैं कि वो जो हमारा किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, समझे? तो ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या अगर हाँ हम उसको बता सकते हैं तो q का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है या फिर उसमें से क्या ऐसा हम चीज हम देखें कि जो हम q को सिर्फ देख कर हम लोग बता सकते हैं कि हाँ वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक हम यहाँ पे नंबर लिए हैं 0.5, तो ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हो गया कि हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसको हम रैशनल नंबर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो रैशनल नंबर कन्वर्ट करने क्या करेंगे हम लोग इस 5/10, तो ये हमारा हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया हमारा ये, और ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। और हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखे लेते हैं 0.52, इसको हम लोग रैशनल नंबर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो वो डिजिट लिख कर 1 लिख कर फिर 2 0 यहाँ दे देंगे, हमें फिर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या रैशनल नंबर। हम अगला एग्जांपल देखते हैं 0.524 रख लेते हैं, तो इसको हम रैशनल नंबर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे फिर 524 ऊपर में लिखेंगे, फिर इसको डिवाइड कर देंगे 1 लिख के, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3, तो 3 0 हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हम क्या बोल रहा है कि जो डिनोमिनेटर में अभी 10 है 100 है 1000 है, तो क्या इसको हम देख के बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको एक कॉमन प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल का, जब हम इसको रैशनल नंबर कन्वर्ट किए हैं तो ये क्या कि 10 के मल्टीपल में है, ये जो हमारा है ये भी 10 के मल्टीपल में है, ये भी 10 के मल्टीपल में, ये भी 10 के मल्टीपल में, यानी एक हमारा क्या गया कि एक पर्टिकुलर फॉर्म में एक हमारे 10 के मल्टीपल में ये आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का, यहाँ पे हम करते हैं 10 का, तो 10 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा 2 और 5, ये आ गया, तो क्या आ गया इसका 2 और 5। अब इसका हम 100 का करते हैं तो क्या आ जाएगा 250 225 525। आ गया, अब 1000 से करके देखते हैं तो क्या आ गया 2 आएगा 500 बार में, फिर 2 आएगा 250 बार में, फिर 2 आएगा 125 बार में, फिर 5 आएगा 25 बार में, फिर 5 आएगा 5 के बाद में, तो इसे क्या क्या हो गए, इसके हो गए 2 2 5 5 प्राइम फैक्टर हो गए,
इनके हो गए 2 2 2 5 5 5, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर, क्लियर। तो अब इसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है इसमें जिसको हम देख के बता सकते हैं, भाई देखते हैं इसको लिख सकते हैं 2 × 5 का पावर 1 1, ऐसे इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 5 का पावर 2, ऐसे इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 × 5 का पावर 3। हम क्या देख रहे हैं इसमें कि जब कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल का जब हम लोग उसका रैशनल नंबर में कन्वर्ट करके उसके डिनोमिनेटर को जब हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसमें या तो 2 आएगा या 5 आएगा या फिर 2 और 5 दोनों आएगा। तो ये इसको हम देख रहे हैं कि ये जो एक हमारा है कॉमन रिजल्ट आ रहा है हमारा, तो हम लोग क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल डेसिमल एक्सपेंशन क्यू मस्ट हैव ए प्रॉपर्टी दैट, वो प्रॉपर्टी कौन सा होगा कि जब हम लोग क्यू का प्राइम फैक्टर करेंगे मतलब क्यू प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ क्या जाएगा, ये तो 2 आएगा 5 आएगा या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि 2 का पावर m और 2 का m का पावर n इस फॉर्म में आएगा, क्लियर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। मतलब क्या बोल रहा है कि हमको 3 ऐसे नंबर लिखने हैं कि जो ही ना टर्मिनेटिंग हो ना ही वो रिपीटिंग हो, तो आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट। तो 3 नंबर ऐसे लिखेंगे, ऐसे नंबर कौन से होंगे जो ना ही कि टर्मिनेट होंगे ना ही वो रिपीट होंगे, तो समझ सकते हैं 0.01001001 000001 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
ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकिंग नंबर। आइए आप सेकंड देखते हैं, 2.21 2.11 2.111 ये भी क्या हो गया, ये जो है ना यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर भी आपका चलते जाएगा। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, 3.331 3.331 3.331 ये भी कैसा नंबर है, ये भी नंबर हमारा जो ना टर्मिनेट हो रहा है ना ही वो रिपीट हो रहा है, क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ये 5/7 और 9/11 के बीच का मुझे तीन इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, 5/7 एंड 9/11, ये दोनों रैशनल नंबर के पूछ के मुझे तीन इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डेसिमल फॉर्म में इसको पहले एक्सपेंड करेंगे। आइए प्ले करते हैं, 5 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो यहाँ पर 5 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं है, इसमें क्या करेंगे, सबसे यहाँ पॉइंट देंगे फिर यहाँ 0 आएगा, तो कितने बार में जाएगा ये 7 बार में जाएगा, 7 7 49, ये माइनस करेंगे कितना जाएगा ये 1, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, तो फिर 7 1 7, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 3। इतने ही करते हैं, इतने ही कम जा सकता है। अब इसके बाद इसका एक्सपेंड करते हैं, तो 9 को डिवाइड करते हैं हम लोग 11 से, तो ये जाएगा नहीं, जितना पॉइंट आएगा फिर 0 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 11 वाला 8 बार में आएगा,
11 एट जा 88, तो क्या बच गया 2, फिर ऊपर से 0 आ गया, 11 वन जा 11, फिर क्या आ गया 9, मतलब इसके वैल्यू में कितना आ गया 0.71 और इसका 0.81, मतलब 0.71 और 0.81 के बीच के हमें तीन इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो कौन कौन से नंबर होंगे, 7.1 और 8.81 के बीच के नंबर। तो पहला नंबर से लिखते हैं, 7.1 है तो हम लिख सकते हैं 0.72। ये क्या है कि 0.71 से बड़ा है लेकिन 0.81 से छोटा है। फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको 0.72007200 .. तो ये ना टर्मिनेट होंगे ना ही ये रिपीट होंगे। आइए इसका सेकंड देखते हैं, तो इससे बड़ा और इससे छोटा आप कौन सा नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो 0.74 लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं इसको 0.74074000, तो ये नंबर ना ही रिपीट हो रहे हैं ना ही नंबर टर्मिनेट हो रहे हैं, कैसे नंबर हो गए, इरेशनल नंबर। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल हमारे पूछ रहे हैं, तो लिख सकते हैं 0.78 0.780 7800 7800 इस तरह। ये नंबर क्या है, ये नंबर ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं ना ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारे तीन एग्जाम्पल हो गए क्वेश्चन नंबर 8 के, क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल नंबर। कि ये जो हमारा दिया हुआ नंबर है उसे क्लासीफाई करना है कि वो हमारा रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है। और ये देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो पहला क्वेश्चन है रूट अंडर 23। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 23 ना ही ये परफेक्ट क्यूब रूट है ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। ऐसे नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर कहलाते हैं इरैशनल नंबर। तो पहला हमारा हो गया इरैशनल नंबर, ये हो गया पहला हमारा इरैशनल नंबर। तो सेकंड क्वेश्चन है रूट अंडर 225। तो रूट अंडर 225 का समझ सकते हैं 15 × 15 = 15, और इसको हम लोग 15/1 लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत। तो ये नंबर कौन से नंबर कहलाया, ये नंबर हो गया हमारा इरैशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड 0.3796, तो ये कैसा नंबर है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा टर्मिनेटिंग, क्योंकि ना ही इसमें नंबर रिपीट कर रहा है ना ही इसमें डॉट डॉट है, तो क्या बोलेंगे इसको, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 7.478478, तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि ये जो 478 है ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, और डॉट 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 यहां दिया हुआ मतलब कि 478 478 478 ये रिपीट होते जाएगा। तो ये हमारा कैसा नंबर है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो हमारा नंबर होता है वो किसके अंदर आता है, वो आता है हमारा रैशनल नंबर के अंदर। ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 1.10100100140001... मतलब कि देख रहे हैं कि ये जो हमारा नंबर है ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है। ये कैसा नंबर हुआ, ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग non-terminating, non-repeating. तो non-terminating और non-repeating ऐसे नंबर हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर हम लोग बोलते हैं irrational number। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।